हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो और बात करेंगे इसमें थिसॉरस डिक्शनरी एंड इंसाइक्लोपीडिया के बारे में। इससे पहले मैं टेक्स्ट रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन सब्जेक्ट पर वेज ऑफ डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स में इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स, रीडिंग अलाउड, साइलेंट रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग एंड इंटेंसिव रीडिंग पर एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियो ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो सबसे पहले बात करेंगे थिसॉरस के बारे में। सो अ थिसॉरस इज अ रेफरेंस बुक दैट लिस्ट वर्ड्स टुगेदर अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटी ऑफ मीनिंग, यानी कि एक ऐसी रेफरेंस बुक जिसमें हमें सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स मिलते हो। जैसे कि अगर आपके पास कोई वर्ड है और आप चाहते हो कि यहाँ पे मुझे ये नहीं कोई और वर्ड यूज करना है, तो वहां पे आपकी मदद करती है थिसॉरस। डिक्शनरी और थिसॉरस में क्या फर्क है? डिक्शनरी हम तब यूज करते हैं जब हमें वर्ड का मीनिंग नहीं पता होता है। तो हम क्या करते हैं, डिक्शनरी देखते हैं और उसमें से हमें उस वर्ड का मीनिंग पता चल जाता है। लेकिन थिसॉरस हम तब यूज करते हैं जब हमें मीनिंग पता है लेकिन हम वहां पे कोई और वर्ड यूज करना चाहते हैं, बिकॉज हमें लग रहा है कि अगर हम यही वर्ड बार बार यूज करते हैं तो हमारी राइटिंग जो है वो बहुत ही मोनोटोनस हो जाएगी, या जो हमारा स्पीच है वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा अगर हम सेम वर्ड बार बार यूज करते हैं। तो ऐसे केस में हमारी मदद करती है थिसॉरस, क्योंकि उसमें एक ही वर्ड के लिए बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स होते हैं, यानी कि उसके सिनोनिम्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप हैप्पी वर्ड यूज करते हो, आपको लगता है कि हैप्पी वर्ड और भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं, मुझे अपनी स्पीच को थोड़ा इफेक्टिव बनाना है, मुझे कुछ डिफरेंट करना है, तो थिसॉरस आपको बताएगी कि उसकी जगह आप प्लीज यूज कर सकते हो, इलेटेड यूज कर सकते हो, जॉयस यूज कर सकते हो, डिलाइटेड यूज कर सकते हो एंड मेनी मोर वर्ड्स। तो पीटर मार्क रॉजेट क्या कहते हैं, द मेन पर्पज ऑफ सच रेफरेंस बुक इज टू हेल्प द यूजर टू फाइंड द वर्ड और वर्ड्स बाय विच एन आइडिया मे बी मोस्ट फिटली एंड एप्टली एक्सप्रेस, यानी कि एक ऐसी रेफरेंस बुक जो आपको हेल्प करती है ऐसा शब्द ढूंढने में जिसके आपकी जो फीलिंग है वो बहुत अच्छे से एक्सप्रेस हो सकती है, या जो वर्ड वहां पे बहुत ज्यादा फिट हो रहा है। जैसे कि आप बोलते हो सैड तो लगता है उदास, लेकिन उसी जगह आप मेलनकोलाइज्ड वर्ड यूज करते हो तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी लगता है और ऐसा लगता है कि एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ सैडनेस। तो इस तरीके से जो बेस्ट वर्ड हो उस जगह के लिए वो चूज करने में हमारी मदद करती है थिसॉरस। फिर बात आती है वर्ड थिसॉरस आया कहाँ से है, तो ये एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता था फॉर ट्रेजर, जिसका ओरिजिनल मीनिंग था प्लेस वेयर ट्रेजर इज स्टोर्ड। तो ट्रेजर वर्ड का मीनिंग क्या होता है, खजाना, जो कुछ वैल्यूएबल चीज हो। और जब हम रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स की बात करते हैं तो शब्दों से बड़ा खजाना क्या हो सकता है, इसीलिए इस रेफरेंस बुक को थिसॉरस कहा गया। और फिर समय के साथ इसे रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि ट्रेजरी ऑफ इंफॉर्मेशन बोला गया। फिर बात आती है हमें थिसॉरस यूज कैसे करनी है, कैसे उसे यूज किया जाए। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि जो आपके पास थिसॉरस है वो डिक्शनरी स्टाइल में है या ट्रेडिशनल फॉर्मेट में है। तो अगर ट्रेडिशनल फॉर्मेट में है तो उसमें क्या होगा, इंडेक्स होगा, और वहां से वो पर्टिकुलर वर्ड लेके आप उस पेज पर देख सकते हो कि और कौन से इसके सिनोनिम्स हैं या एंटोनिम हैं। और अगर डिक्शनरी स्टाइल में होता है तो अल्फाबेटिकली अरेंज्ड होगा। फिर जो आपको वर्ड चाहिए उसे सिलेक्ट कीजिए और आप अपने सेंटेंस को, अपनी स्पीच को, अपनी राइटिंग को बहुत ज्यादा इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग बना सकते हो। फिर बात आती है एडवांटेजेस क्या है थिसॉरस के, क्यों यूज किया जाए थिसॉरस को। तो सबसे पहली बात आती है ये हमारी वोकैब को एनहेंस करने में मदद करती है, बिकॉज जब हम एक ही वर्ड के लिए और वर्ड्स देखेंगे तो हम नए नए शब्द सीखेंगे जिससे हमारी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी। ब्रेक मोनोटोनी, एक रास्ता जो होती है जो सिमिलर वर्ड्स हम बार बार यूज करते जाते हैं उससे मोनोटोनी आ जाती है और हर कोई चाहता है कि कुछ नया किया जाए, तो उसमें मदद करती है ये। मास्टरी लैंग्वेज, जब हमारे पास किसी एक वर्ड के लिए बहुत सारे वर्ड्स हम जानते होंगे कि इसकी जगह और क्या यूज किया जा सकता है, तो लैंग्वेज में हमारी मास्टरी हो जाएगी, यानी कि उसकी हमें बेहतर समझ हो जाएगी। नए नए आइडियाज आएंगे, जब भी कोई नई चीज सीखते हैं तो नए आइडियाज आते हैं, सुटेबल वर्ड्स ढूंढ सकते हैं। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे दिमाग में कोई वर्ड होता है लेकिन हमारे जुबान पे नहीं आता है, हम ढूंढ नहीं पाते कि यहाँ पे हम क्या वर्ड लगाएं। कभी कभी हम बोलते हैं ना कि मुझे एक वो शब्द नहीं समझ आ रहा, यहाँ पे क्या यूज करूं, तो वो शब्द ढूंढने में आपकी मदद करती है थिसॉरस। कॉन्फिडेंस
कॉन्फिडेंस आता है इसे। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब हमारे पास बहुत सारे शब्द होंगे तो हम अपनी बात को, अपना जो राय है, अपना जो तरीका है, उसे और ज्यादा अच्छा बना सकते हैं और अपनी बात को इफेक्टिवली दूसरों के सामने रख सकते हैं, जिससे कॉन्फिडेंस आएगा। फिर आता है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। इससे हमें एक ही वर्ड के लिए और बहुत सारे वर्ड्स मिल सकते हैं, यानी कि सिनोनिम्स मिल सकते हैं और एंटोनिम्स भी मिल सकते हैं, यानी कि जो अपोजिट वर्ड्स होते हैं। अगला टॉपिक है हमारा डिक्शनरी। तो डिक्शनरी क्या होता है? जब हम यूज करते हैं किसी भी वर्ड का मीनिंग पता करने के लिए, जब हमें किसी वर्ड का कोई मीनिंग समझ में नहीं आता है तो हम डिक्शनरी यूज करते हैं। डिक्शनरी को नेवर फेलिंग फ्रेंड ऑफ अ लर्नर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ऐसा? बिकॉज फ्रेंड क्या होता है? जब भी हम किसी मुसीबत में होते हैं तो वो हेल्प करता है, राइट? तो डिक्शनरी भी क्या है? जब भी हम कुछ पढ़ते हैं और हमें वो चीज़ समझ में नहीं आती है, हम कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाते कि क्या लिखा है, हमें वो चीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगती है, तो वहाँ पे हमारी मदद करती है डिक्शनरी, हमें उस वर्ड के सिंपल मीनिंग्स बताने में और जिससे हम किसी भी चीज़ को इजीली समझ सकते हैं। डिक्शनरी से हमें नाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, एडजेक्टिव्स इनके बारे में भी पता चलता है, बिकॉज आपने देखा होगा कि वर्ड के नीचे लिखा हुआ होता है कि ये एडजेक्टिव है या ये वर्ब है या ये एडवर्ब है। तो इससे हमें ग्रामर की नॉलेज भी मिलती है। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में मदद करती है, बिकॉज इसमें लिखा होता है कि किसी भी वर्ड को कैसे प्रोनाउंसिएट किया जाएगा। इसके अलावा आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि पहले पॉकेट डिक्शनरीज होती थी या प्रिंटेड डिक्शनरीज होती थी, लेकिन अब समय के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरीज आ चुकी हैं, जिसे हम अपने फोन में लेके घूम सकते हैं या कोई भी वर्ड तुरंत ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। क्या एडवांटेजेस हैं डिक्शनरी के? बेटर लर्नर बनाती है हमें, नए शब्द सीखेंगे, नई चीज़ें सीखेंगे तो ऑब्वियसली बेटर लर्नर्स बनेंगे। स्पेलिंग सीख सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन सीख सकते हैं, ग्रामर इंप्रूव होती है और खुद चीज़ें देख के सीख रहे हैं तो सेल्फ लर्निंग की हैबिट आती है। तो क्या बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब हम किसी भी डिक्शनरी को यूज़ कर रहे हैं? तो सबसे पहले तो बात, आप ग्रेटेड डिक्शनरी चूज करें, बिकॉज उसमें न्यू वर्ड्स होंगे, ट्रेंडिंग वर्ड्स होंगे, तो हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। फिर उसके बाद उसके इंट्रोडक्शन पढ़ें, एब्रीवेशंस देखें और फिर फर्स्ट लेटर की मदद से प्रॉपर सेक्शन ढूंढें और जो वर्ड है वो हमें उसका मीनिंग पता चल जाएगा। फिर आता है इंसाइक्लोपीडिया। तो इंसाइक्लोपीडिया भी एक तरीके का रेफरेंस वर्क है जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव समरी ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, या तो किसी एक सब्जेक्ट से रिलेटेड या एक ब्रांच ऑफ नॉलेज से रिलेटेड या फिर सबकी इकट्ठी। यानी कि या तो अगर साइंस इंसाइक्लोपीडिया होता है तो उसमें सारी साइंस रिलेटेड आर्टिकल, साइंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, साइंस रिलेटेड फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स, वो सारी चीज़ें होंगी, या फिर अगर सभी ब्रांचेस का होता है तो उसमें सभी सब्जेक्ट्स की थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी जनरल नॉलेज है वो सारी होगी। इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत ही अमेजिंग वे में दी गई होती है और इससे हमें क्या करता है, मन करता है कि हम चीज़ों के बारे में और ज़्यादा जाने, क्योंकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आर्टिकल्स और एंट्रीज की फॉर्म में होती है, जो कि जनरली अल्फाबेटिकली अरेंज्ड होती है। इंसाइक्लोपीडिया एंट्रीज जो होती हैं वो लॉन्गर होती हैं और डिटेल्ड होती हैं एज कम्पेयर टू डिक्शनरीज, बिकॉज डिक्शनरी में भी हमें मीनिंग मिलता है, चीज़ें मिलती हैं, इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन वो उतनी डिटेल्ड नहीं होती हैं, उतने ज़्यादा अमेजिंग तरीके से प्रेजेंट नहीं होती हैं। लेकिन इंसाइक्लोपीडिया में जो चीज़ें हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट की जाती हैं, ताकि बच्चों को और ज़्यादा इंटरेस्ट आए उस चीज़ को जानने के बारे में। उसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, ताकि जिस भी टॉपिक पर वो आर्टिकल है उससे रिलेटेड हर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो उसमें रखी जाती है। फिर हम इसमें इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडिया के बारे में बात कर सकते हैं कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडिया में क्या है, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी और रिलीजन के बारे में बताया गया है, एशियन टाइम से लेके प्रेजेंट डे तक क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या नई चीज़ें आई हैं, वो सारी इसमें बताई गई हैं। 4 वॉल्यूम्स हैं इसकी और जितना भी कॉन्टेंट है वो बहुत ही ऑथेंटिक और क्वालिटेटिव है। आप चाहें तो इसके एडवांटेजेस भी लिख सकते हैं कि क्यों जरूरी है इंसाइक्लोपीडिया, क्योंकि इन्हांस करता है नॉलेज को, इंटरेस्टिंग वे में चीज़ें प्रेजेंट की जाती हैं तो पढ़ने में बहुत ज़्यादा मजा आता है, स्टडी स्किल्स को इंप्रूव करता है, जब नॉलेज होगी बहुत सारी चीज़ों की तो कॉन्फिडेंस आएगा और चीज़ों को कॉम्प्रिहेंड करने की एबिलिटी है वो भी बढ़ेगी। तो थिसॉरस, डिक्शनरी और इंसाइक्लोपीडिया बहुत ज़्यादा जरूरी है बच्चों की इसकी नॉलेज और स्टडी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, बिकॉज स्टडी स्किल्स या रीडिंग स्किल्स सिर्फ यही नहीं है कि हम चीज़ों को पढ़ें, वो स्किल नहीं है, यानी एक कौशल होना चाहिए, पढ़ने का भी एक कौशल होता है। सिर्फ आपने वर्ड्स पढ़ लिए वो उसे हम रीडिंग नहीं मान सकते, उसे हम एक अच्छी रीडिंग नहीं मान सकते। एक अच्छी रीडिंग तभी है जब आपने जो वर्ड पढ़ा है वो चीज़ आपको समझ में आए, और वो चीज़ समझ में आपको तब आएगी जब आपको उन वर्ड्स की नॉलेज होगी, उनके मीनिंग्स की नॉलेज होगी, आपको पता होगा कि कौन सा वर्ड कहाँ और कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो थिसॉरस यानी कि ऐसी रेफरेंस बुक जब आपको किसी वर्ड के लिए कोई और वर्ड ढूंढना हो, यानी कि कोई सिनोनिम ढूंढना हो, डिक्शनरी ऐसी है।
हेल्प जिसमें जब आपको वर्ड का मीनिंग ना पता हो तो आपको वो चीज पता करनी है, और इंसाइक्लोपीडिया जिसमें आर्टिकल्स के फॉर्म में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जो कि बहुत ही अमेजिंग वे में प्रेजेंट की जाती है और बहुत ही क्वालिटेटिव कंटेंट होता है। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक जो कि 16 मार्क्स में भी आ सकता है या हो सकता है किसी और के साथ कंबाइन होकर 4 में आ जाए या 2 में आ जाए। एंड आई होप आपको ये टॉपिक एकदम क्लियर हो गया हो। फिर भी कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़।